वीडियो में कही गई बातों का फोरम फोर से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम फोर जिम्मेदार नहीं हो। देखिए, अंतर सीधा सीधा ये है, जो भी लोकतंत्र की हत्या करेगा, जो भी लोकतंत्र के खिलाफ काम करेगा, डेमोक्रेसी के खिलाफ, मतलब जो उसके, जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने इतना अपना दहशत वाला बयान दिया, उकसाया लोगों को, ये कोई भी काम करेगा उसकी सजा यही होनी चाहिए। आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दिस न्यूज़। लिसन, गद्दारों को गोली मारो, देश देश, ऑफकोर्स होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए, उनको भी जेल होनी चाहिए, उनको, उनके ऊपर कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा ही नहीं, और भी बहुत लोगों ने ऐसे भड़काऊ भाषण देके दिल्ली में रॉयट्स करवाए हैं, दंगे करवाए हैं, होना चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, सबके ऊपर कानून होना चाहिए। आप इनोसेंट्स को, कोई आवाज उठा रहा है एक्टिविस्ट, तो आप उन पे गलत धारे लगा के उनको अंदर कर देते हैं। स्टूडेंट आवाज उठाता है तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हैं। आंदोलन में आपने किसानों को कह दिया देशद्रोही, यही आंदोलन में आप देखिए रिटायर फौजी होंगे, इन्हीं आंदोलन में इन्हीं लोगों के, इन्हीं किसानों के बच्चे अभी भी सरहद पे होंगे, जिनको आपने मसाज करती हुई मशीनें आपको दिख जाती हैं, आप कहते हो कि मशीनें मसाज हो रही हैं, उन्हीं किसानों के पैरों पे पड़े आपको छाले नहीं दिखते, आप कहते हो लंगर में काजू बादाम खाते, तो क्यों ना खाएं, यही किसान तो तीन टाइम आपको अन्न देते हैं ना, जिनका दिया हुआ आप खाते हो, और आप जैसा तो बदतमीज बेहया कोई हो ही नहीं सकता। मतलब शर्म आती है इन लोगों पर जो इस तरह का नैरेटिव मीडिया में चलाते हैं। तो डजंट मैटर ये कोई भी लेबल्स लगा ले, लेकिन इस मूवमेंट में जो उतर के आकर देखेगा, वो देखेगा कि इस मूवमेंट में सिर्फ एक तरफ के लोग नहीं है, सिर्फ पंजाब नहीं है। ठीक है, पंजाब सबसे पहले अवेयर हुआ, पंजाब ने भागदौड़ अपने हाथ में ली, तो पंजाब का तो काम था, वो तो आजादी की लड़ाई में भी सबसे आगे था, मरने कटने के लिए तो वो तो पीछे नहीं हटता। अगर गलत, अगर देश पे बात आएगी तो वो सबसे पहले आगे आएगा, अगर अपने पे बात आएगी तब भी वो सबसे पहले आगे आएगा, तो क्या गलत कर रहा है। तो इस तरह की, देखिए अगेन आई एम सेइंग, ये जो मीडिया इस तरह का नैरेटिव चलाती है ना, आपने वो कहानी सुनी होगी, इन्होंने बहुत कोशिश की इस मूवमेंट को डिल्यूट करने का, खराब करने का। लोमड़ी की कहानी सुनी है ना, बचपन में अंगूर खट्टे हैं, क्यों कहती है, अनेकों प्रयास के बाद जब उस तक पहुंच नहीं ना पाती तो वो कहती आई हाय थू, अंगूर ही खट्टे हैं ये। सेम गोज हेयर, ये ऐसी लोमड़ी है मीडिया कि इसने इतना प्रयास किया इस मूवमेंट को गलत कहने का, इन्होंने कहा कि ये मूवमेंट खराब है, इसमें खालिस्तानी है, इसमें पाकिस्तान, मतलब ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है ये सब। तो जब अनेकों प्रयास के बाद कुछ नहीं कर पाई ये मीडिया, इनके जो गंदे, जो बिकाऊ मीडिया वाले जब यहाँ पे आते हैं, इस मूवमेंट की खबर कुछ कुछ है वहाँ जाके कुछ दिखाते हैं, जब सारे प्रयासों में आप फेल हो गए, जब आपको धक्के मार के यहाँ से भगाया, तब आपने वो लोमड़ी खट्टे वाली बात कही, वहाँ जाके कहा ये तो नक्सली है, ये तो किसान ही नहीं है, ये तो ये करने आए हैं यहाँ पे, ये तो असली किसान जो है तो वो तो इस मूवमेंट में है ही नहीं, ये नकली किसान है, तुम असली मीडिया वाले हो। पत्रकारिता ये होती है, मैं तो कहती हूँ उतर के आए और आप जैसे पत्रकारों से पत्रकारिता सीख ले। क्या आपको शायद नहीं पता होगा, उनके मामा ही लगते हैं वो। अच्छा। हाँ, तो अपने मामा के लिए दर्द तो होगा ना, ये तो हम थोड़ी ना कुछ हैं, तो वो तो आए ही या तो विदेश घूमने के लिए गद्दी पे बैठे हैं, क्योंकि अभी तो ये दुर्भाग्य है उनका कि COVID-19 एक विश्व, यू नो, वर्ल्ड पैंडमिक, एक ऐसा बीमारी है जो पूरे विश्व में है, तो ये तो उनका दुर्भाग्य है। लेकिन अगर ये खाली इंडिया में होता तो वो आपको अब्रॉड में ही नज़र आते हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने खुद भी तो कहा था प्रचार करके अब की बार फ्रॉम सरकार। तो मैं कहती हूँ कि मैंने कल भी ट्वीट किया, शायद आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने कल भी यही चीज़ कही कि आपको जब बाहर के, मतलब आप ही के भक्त लोग, जब ट्रूडो ने हमारे समर्थन में, किसानों के समर्थन में वो आकर बैठे, ज़मीन पर बैठे थे, उन्होंने समर्थन किया था, उन्होंने कहा था कि ये कानून गलत है, ये रिपील करना चाहिए उनको और वापस लेने चाहिए कानून, तब भक्त चिल्ला रहे थे इंटरनल अफेयर्स है, इंटरनल मैटर है, आपको कोई हक नहीं बनता हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का। तो अब क्या इंटरनल मैटर नहीं था ये अमेरिका का, अब ये इंटरनल मैटर उनके स्टेट का, आपको वाशिंगटन डीसी में जो हुआ वो दिख गया, आप उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं। हैरानगी की बात है कि ये प्रधानमंत्री और ये जो लोग कैसे, जो उनका समर्थन करते हैं, अंधे गूंगे बहरे हैं क्या, इनको नहीं दिखता ये चीज़ कि 60 से ज़्यादा, मतलब 60 पहुँच गया है जो आंकड़ा है, हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, आपको अपने देश में नहीं दिख रहा, आपको उनकी शहादत पर कोई ट्वीट नहीं आता, आपको ये नहीं दिखता, आप एक बार भी किसानों के समर्थन के लिए आप सड़कों पर उतर के नहीं आते, आप बात नहीं करते, लेकिन जो वहाँ पे वो दिख गया वो क्यों हुआ। आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे वो दुष्ट कौन लोग थे जिन्होंने भारत का झंडा वहाँ पे लहराया, ये भी बहुत शर्मनाक था, लेकिन आपने सेफ रहने के लिए उनके प्रचार दे दिया, क्योंकि आपको पता चला ये जो हुआ ये डेमोक्रेसी की डेथ हुई है, ये बहुत गलत काम हुआ है जो वाशिंगटन, जो वहाँ पे हुआ वाशिंगटन डीसी में, तो आपने अपना एक सेफ साइड करने के लिए, सेफर साइड में आने के लिए आपने वो ट्वीट कर दिया। तो हमारे प्रधानमंत्री तो खेलते ही ऐसे आए ना शुरू से, या तो कॉर्पोरेट घराने के लिए खेलेंगे, या तो अपने देश में काम नहीं करना, लेकिन विदेश में नंबर बनाने के लिए इस तरह के काम करने हैं। मैंने आज बयान तो दिया है,
है, ना तो सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं, ना तो फिर सरकार की बात मान रहे हैं। तो किसान चाहते क्या हैं? किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, सरकार डायरेक्ट बात करे, आनाकानी तारीख पे तारीख ना दे और निष्पक्ष तरीके से आप हमारी बात सुने और हमारे इन कानूनों को वापस लेके जाए, MSP को लॉ बनाए, कानून बनाए MSP का, और हम अपने घर जाएंगे, इन कानूनों को रद्द करो, फाड़ो, हम अपने घर जाए अपना कानून। तो रजत शर्मा इसमें होता कौन है, इस तरह की बातें बोल रहे हैं? देखिए, रजत शर्मा बीजेपी का स्पोक पर्सन है, जैसे अर्नब गोस्वामी बीजेपी का सरकार का स्पोक्स पर्सन है, वैसे ही वो भी हैं। वो बोलेंगे जो पीछे से ऑर्डर आता है, वो वही कहेंगे। वो क्यों आपकी जेब गरम करता है अंबानी अडानी तो आप किसानों की बात करोगे जी? आपकी जेब भरता है मोदी तो आप किसानों की बात करोगे? आधे से ज्यादा चैनल अंबानी ने खरीदे हैं तो आप हमारी बात सुनाओगे? आप हमारी बात करोगे? आप तो वही बोलोगे जो वो कह रहे हैं। तो सिंपल, ये चीज आपको और हमें समझने की जरूरत है। देखिए, पूरी कोशिश है, जब तानाशाह सरकार आती है ना तब इस तरह से होता है। आपने हिटलर के टाइम पे भी देखा होगा, जब आपने, क्योंकि हमने पढ़ा है, जो भी हमने ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ी हैं तब भी आपने देखा होगा कि जब कोई ऐसा तानाशाह रवैया करता है जिसको लगता है मैं ही हुक्मरान हूँ, मेरे ऊपर नीचे कोई नहीं है, मैं जो करना चाहूँगा वही करूँगा, तो इस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या होती है। क्योंकि आपने लोगों को हमेशा बांटने का काम किया, तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। आप लोग उन लोगों में से हो जो भगोड़े में से हैं। ना आपका देश की आज़ादी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, ना देश के हित में कोई कंट्रीब्यूशन है, ना डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन है। आप आए एजेंडे से हैं इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में देना, इस देश की बर्बादी करना, ताकि सब वो कुत्ते और मालिक वाला हो जाए कि मालिक रोटी फेंकेगा तो कुत्ता खाएगा, बाकी देखता रहेगा उसकी तरफ। ये वो हाल करना चाहते हैं इस देश का। लेकिन बहुत चंद लोग हैं, मैं कह रही हूँ आज इस मूवमेंट से ना नॉट ओनली सिर्फ वो बैठे हैं जो इस सरकार, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ है, इनके लोग भी इनके खिलाफ हो चुके हैं। वो आप आने वाले चुनाव में बहुत अच्छे से देख लेंगे, वो लोग भी, क्योंकि उन लोगों के माँ बाप भी जो है ना वो किसानी से आते हैं। और मैं कहती हूँ कि इस मूवमेंट में हर वो इंसान उसके साथ होगा जो 3 टाइम अनाज खाता होगा, जो गाय गौमूत्र और गोबर खाता है, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, उनकी मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन जो अनाज खाता है वो इस मूवमेंट के साथ होगा, और वो इस मूवमेंट के साथ एंड तक खड़ा रहेगा, जो इस चीज़ को मानता होगा कि हाँ हमारा पेट आने वाले का ये किसान लोग। मुझे सिंपल से ये लगता है कि वो जो डायलॉग है बहुत फेमस, तारीख पे तारीख, या इट इज एब्सोल्युटली हैपनिंग दैट कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स हैं दे आल्सो नीड टू चेंज देयर स्ट्रेटजी, दे शुड फोकस ऑन द एक्शन प्लान। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। हम अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं, हमें अपनी यूनिटी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्यार से आगे बढ़ रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें सरकार, जब इन्होंने साफ लीडर्स ने कह दिया था कि हाँ या ना बताइए, या तो हम ये विन और डाई की सिचुएशन है, इधर वी विल विन और वी विल डाई। जब 9:30 बजे आपको कल मंत्री ने कह दिया था कि क्या कहते हैं, संशोधन हो सकता है, रिपील नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता, आपको तभी उनको ठोस तरीके से कहना चाहिए था और अपनी बात को मनवाना चाहिए था। वहाँ 2.5 घंटे बैठ के अपनी वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे जो लोग किसान ये जो ठंड में बैठे हैं यहाँ पे आके अपने बच्चों बीवियों माओं को घर छोड़ के, कुछ लोग तो घर पे 3-3, 4-4 लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को भी साथ ले आए, बिकॉज दे आर वेटिंग, यू आर देयर होप, आपके इंतजार करते हैं वो कि आप आकर बताएंगे कि सरकार ने ये डिसीजन लिया या हम इस चीज़ पढ़े। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से फोर्स होनी चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है किसी चीज़ पे, आप कह रहे हैं कि वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट और हम तारीख पे तारीख नहीं जाते, तो दोनों तरफ से स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मेरा सवाल है कि दो पिछली दो मीटिंगों से ये बात सामने आ रही है कि जो सरकार के लोग हैं, मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पक्षकार आप लोग बनो और सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा वैसा मानो, लेकिन किसान नेता जो हैं वो उन्हें मतलब जो जनता है, जो किसान है, जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट पे उतना भरोसा नहीं है जितना सरकार को, तो ऐसा क्यों? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है वो, सुप्रीम कोर्ट, हम सब उसकी कदर करते हैं और सबको करनी चाहिए, लेकिन क्यों वो लोग बोल रहे हैं? कहते हैं ना, दूध का जला खीर को भी फूक फूक के खाता है। ये वही हाल है। आपने देखा होगा कि जिस तरह के पिछले कुछ टाइम से निर्णय लिए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इतने कुछ, जैसे आप ऐसे ऐसे लोग हैं जो जेलों में बैठे हैं, बेकसूर लोग, तब आप कोई फैसला नहीं ले पाते, और अर्नब गोस्वामी जैसे एक ऐसे दलाल पत्रकार की रिहाई रातों रात आप डिसीजन सुनाते हैं और अगले दिन आप उसको रिहा करवा लेते हैं, तो लोगों को एक डाउट फील है, फियर है दिमाग माइंड में कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से कुछ ऐसा डिसीजन आ जाए जो हमारे हित के अगेंस्ट हो, हम कहीं वहाँ पे भी हमारी भलाई के अगेंस्ट हो, हम कहीं वहाँ से भी हार ना जाए, वो भी हमारे अगेंस्ट ना आ जाए। तो दे हैव अ फियर इन माइंड, और वो फियर आपके एक्सपीरियंसेस से ही आता है। तो पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके बेसिस पे वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम डायरेक्ट वार्तालाप करना चाहते हैं, हमें आपसे कहना है, क्योंकि अगर आप इतने ही निष्पक्ष तरीके से काम करें तो आप पहले ही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही काम करते हैं, आप फोर्स नहीं करते इस डिसीजन
यूनियन को। किसान कह रहे हैं ये बिल मेरे भले के खिलाफ है, मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए, आप क्यों जबरदस्ती भला करना चाहते हैं? तो वही चीज है कि आप किसी को भी मैनिपुलेट कर लेंगे। तो आज देश का किसान लीडर्स हो गए, चाहे बच्चा हो गया, कोई मतलब स्टूडेंट है, चाहे कोई भी है, एवरीवन इज सो स्केर्ड, क्योंकि ये लोग चीजों को बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं, बहुत इजीली, क्योंकि अपने पास पैसा है, अपने पास पावर है, हर एक चीज को मैनिपुलेट करके आपको नहीं पता आपको क्या डिसीजन सुना दिया जाएगा। सो दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। सो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डाली गई है जिसमें कहा गया 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हर दिन हो रहा है यहाँ पे जो किसान बैठे हैं उनकी वजह से, तो इन लोगों को हटा दिया जाए, तो क्या अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से सुनवाई करेगी या करनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, और जो ये बातें कर रहे हैं 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 100% हो रहा होगा, मैं नहीं कहती नहीं हो रहा, लेकिन कई गुना ज्यादा नुकसान ये देश भुगतेगा, ये आवाम भुगतेगी अगर ये बिल पास हो जाते हैं। जैसे जियो धन धनाधन चलाया था ना, आप सबने चलाया होगा, मैं आई एम श्योर, जितना वो लालच दिया था फ्री सिम में बांध के, फ्री इंटरनेट करके, और दो साल के बाद आज आपके घर से, आज आपकी जेबों से कैसे पैसा निकाल के वही कंपनी लेके जा रही है ना, वही गोभी, अभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक बंदे ने गोभी दिखाया था कि पता नहीं 200 या पता नहीं कुछ रेट लिखा था, आप वही जो मक्का जो आप इतने सस्ते में खरीदते वही आप रिलायंस बिग बाजार वॉलमार्ट ये जो बिग बाजार ये जो रिलायंस के शोरूम है वहां जाकर देख लीजिए, आप किसानों से किस दाम में खरीदते और वहां पर ये लुटेरे किस दाम में बेचते हैं, इस देश का वही हाल हो जाएगा। हम आज नुकसान झेल लेंगे, मिलकर झेल लेंगे ना, लेकिन कल जो हमारा हाल होगा ना वो हम देखना नहीं चाहते। हमारी यूनिवर्सिटी बिक जाएगी, हमारे सारे इंस्टीट्यूशन बिक जाएंगे, बैंक बिक जाएगी, रेलवे बिक जाएंगे, किसानी खत्म हो जाएगी, किसानों की जमीनें नहीं रहेंगी, और सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए आज हम सब भुगतने के लिए तैयार है, और ये मैं बार बार कहती हूँ, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है, इसमें हर एज के आज महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आज इसमें हर समुदाय के लोग हैं, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निचले वर्ग का हो, दलित है, पिछड़ा, आदिवासी है, सब इस मूवमेंट में एक साथ है, एकजुट है, और जो संविधान से प्यार करता है, लोकतंत्र से प्यार करता है, डेमोक्रेसी से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, वो इस मूवमेंट में होगा। और सबसे बड़ी बात, जो तीन टाइम अनाज खाता है ना और इनके दिया हुआ खाता है, वो सब इस मूवमेंट के अंदर है आज, और जो गोबर खाते हैं, गोमूत्र पीते हैं, वो नहीं होंगे जो उससे चलते हैं। वहाँ पे एक वार्ता जब हो रही थी तो एक वायरल हुआ, जो एक पोस्टर वायरल हुआ, उसमें लिखा गया हम मरेंगे लेकिन जीतेंगे, जो जिन्होंने लिख दिया, तो ये सरकार जो है, सरकार भी उतनी ही अडिग है जितना ये किसान दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कौन झुकने वाला है, कैसे झुकेगा? देखिए 100% मेरा तो मानना यह है कि पिछले 2014 से ना इन साढ़े पाँच छः सालों में अभी तक जो हुआ है ना, आपने देखा है किसने मुँह की खाई जनता ने नहीं है, जनता को सिर्फ डराया धमकाया गया है, जनता के हक जबरदस्ती छीने गए हैं, ये मूवमेंट हम ही जीतेंगे। जत्थेबंदियाँ, लीडर्स, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, डेफिनेटली दे विल डू कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जो आवाम के अंदर जोश है ना इस मूवमेंट का, वो पीछे नहीं हटने वाले, और ये मूवमेंट यही किसान जीत के जाएंगे, यही लेकर जाएंगे। और जो लिखा था आप कह रहे हैं डू और डाई की सिचुएशन है, उस मूवमेंट के अंदर जोश के साथ साथ दर्द भी है, क्योंकि किसान, यूथ, बेरोजगार, गरीब, मजदूर इतना प्रताड़ित हो चुका है 2014 से कि अब वो पीछे नहीं हटने वाला। ये हाय है, ये हर उस भूखे की रोटी की आवाज़ है इस मूवमेंट के अंदर, हर उस यूथ, हर वो इंसान इस मूवमेंट में शामिल है। और मैं आपको इसके साथ भी कह दूं, जो अंधे, जो भक्त, जो बेवकूफ लोग ये कहते हैं ना कि पहले के 70 साल के लोगों ने क्या काम कर दिया, तो मूर्खों तुम्हें ये बात बता दूं कि अगर 70 साल से प्रताड़ित थे ना हम, 70 साल में दुखी हो गए थे, जो घोटाले, जो करप्शन वहां पे हुआ, इसीलिए बदलाव चाहा तो तुम आए, लेकिन जो तुमने हाल किया ना वो 70 सालों में हाल नहीं हुआ था, इसीलिए आज जो तुमने हाल कर दिया, अगर तुम ऐसी तानाशाही रवैया दिखाते रहे तो तुम्हारा अंत भी बहुत पास है, वो तुम आने वाले चुनावों में देख लोगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।